हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीलेट प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीलेट का एग्जाम 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच होना है और इस एग्जाम को देखते हुए हम लोग डेली रात्रि 8 बजे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसमें हम लोग VVIP प्रश्न देखेंगे। जो भी कैंडिडेट बिहार डीलेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक कोचिंग इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाएगी। लाइव क्लासेस हो रहा है और वो सभी कैंप ज्वाइन कर पाए, ठीक है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डीलेट संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। साथ ही अगर इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, रामनाथ गो नायक पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि जो ये पुरस्कार है रामनाथ गोय नाका पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण या फिर ग्रामीण स्वच्छता। तो देखिए, जो आपको रामनाथ गोय नाका पुरस्कार है ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत 2006 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत जो 2006 में हुई थी किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से आप 3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो रामनाथ गोयनाग पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि विश्व विरासत में शामिल नहीं है। भीमबेटका बिल्कुल शामिल है, अजंता की गुफाएं ये भी शामिल है, लेकिन जो आजमगढ़ का शैल शहर है ये आपको शामिल नहीं है, और आगरा किला तो ये 1983 में भी शामिल है, ठीक है। तो इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए ये आपको विश्व विरासत स्थल में शामिल है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया गया ये आपको शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में ये आपको बंग भंग आंदोलन के दौरान ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और जो ये स्वराज ध्वज डिजाइन करने की बात की जा रही है आपको अरविंद नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि बिकमिंग पुस्तक के जो लेखक है ये है आपको मिशेल ओबामा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये जो पुस्तक है 2018 में ही रिलीज किया गया था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, दो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि इन तीनों चारों कथनों को पढ़ना है आपको अच्छे से और ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसको मालूम करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आपको यही बताना है कौन सा सही नहीं है। पढ़ा यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के स्थान पर भरोसा किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के लिए आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के वित्त क्रमानुपाती होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से गलत है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे कुछ मंदिर
साथ ही मेरे पास ऐसे बहुत सारे कोचों को मैं देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डेट प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी, ठीक है। इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हट गया है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर सकते हैं। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है और वह क्या कहलाता है, तो ये डंडल कहलाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए हड़प्पा सभ्यता आप जरूर पढ़िएगा, सिंधु सभ्यता जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, मेहरगढ़, कोल्डीवा, बुर्जहोम या फिर कुंतासी, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुंतासी, ये आपको जो संस्कृति स्थल नहीं है नवपाषाण काल की, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है, ये आपको बताना है, यानी कि कौन सी नदी है जो कि शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है, कावेरी, काली सिंधी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कावेरी नदी, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, डेविस मालपास इसके अभी वर्तमान टाइम पर अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे, ये आपको बताना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है चूँकि बहुत ही ईजी है, जो सुल्तान रजिया के पिता थे ये थे आपको इल्तुतमिस, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको कभी कभी रजिया का शासन काल भी पूछा जाता है, तो 1236 ईस्वी से लेकर 1239 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, डाक विभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्तीय समावेशन विभाग या फिर लेखा संबंधी मामलों का विभाग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डाक विभाग, ये जो कि आपको भुगतान बैंक का संचालन करता है भारत सरकार, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी पश्चिमी घाट की, वो है आपको अन्ना मोदी, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको महेंद्र गिरी के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर महेंद्र गिरी जो पर्वत है कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो ऊंचाई है आपको 1501 मीटर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है महेंद्र गिरी, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट से इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है वो आपको केंद्र सरकार को सौंपा गया है, जो कि अवशिष्ट मामलों का कानून बनाने का अधिकार जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है,
ये आपको बताना है। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार से रिलेट कर रहा है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखिए, मेंशन किया गया निम्नलिखित में कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। यानी कि इन ऑप्शनों को देखिए और आप ऑप्शनों को देखने के बाद आपको बताना है कि कौन से गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन या फिर संचरण। देखिए उत्सर्जन भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है, लेकिन संचरण के बिना आप जीवित रह सकते हैं, जीवन की प्रक्रिया चल सकती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हमने आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन देखे हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने यहाँ से फटाफट आपको सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश की है। तो आप फटाफट वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए कि जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं, हल किए हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पा रहे हैं। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहिए, साथ ही घर पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, घर पर प्रैक्टिस सेट लगाइए, घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही अब जल्द होने वाला है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।